We start discussing the moral lesson or the theme of the modern essay, the short modern essay, My Tailor, तो इसमें सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, that is the hollow nature of our modern relationships. यानी आज की दुनिया में इंसान जो अपने आप को बड़ा एक कल्टिवेटेड और डेवलप्ड समझता है, हम समझते हैं हम बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं या हम बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, मॉडर्निज्म के चक्रों में पड़े हुए हैं कि हम बहुत ग्रूम कर चुके हुए हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स की एक पैथेटिक एंड पिटिएबल कंडीशन ये है कि तमाम हमारे लेन देन, हमारी बातचीत, हमारे ताल्लुकात, उनकी कोई बेस ही नहीं है. दीज आर बेसलेस. नॉर्मली जनरली हम लोग सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ही एक दूसरे से सलाम दुआ रखते हैं, काम के काम बात करते हैं. वी नेवर गिव एनीबडी द स्पेस एनफ टू टॉक टू अस, टू शेयर देयर फीलिंग्स विद अस. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, हम उन्हें ये स्पेस कभी भी नहीं देते कि वो अपने दिल की जो बात है वो हमसे जिक्र कर ले उसका. ठीक है. सो यहाँ पे देखते हैं कि राइटर कहता है कि मुझे ये लगा कि हम, यानी कि मैं और टेलर जो था उसका, उसके आपस के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कि उसने कभी इससे पैसों की डिमांड नहीं की. उसने इसे कभी ये नहीं कहा कि जनाब आप जो हैं हमें हमारे जो पैसे हैं वो जल्दी दे दें या आप जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दें ये वो. और इसको लगता था कि ये तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप है, हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, सिंसेरिटी है उसमें. और वो भी अच्छा काम करना, उसने फ़ौरन इसको मशवरा देना कि जी जनाब ये वाली जो ड्रेस है वो आप पहने. तो इसको लगता था कि मैं बहुत अच्छे ताल्लुक आते मेरे टेलर से. लेकिन राइट आफ्टर हिज डेथ ही केम टू नो अबाउट द सिचुएशन जो टेलर फेस करता रहा. बहुत सालों से पॉवर्टी का शिकार था, गुर्बत का शिकार था. वो तो देखा जाए एक अच्छा दोस्त साबित हुआ जिसने इतनी मुश्किलात होने के बावजूद इसको कभी तंग नहीं किया. एज इफ ही कुड ही वॉज यू नो क्वाइट यू नो फैमिलियर विद द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द इश्यूज दैट वी हैव इन आर प्राइवेट लाइफ. तो शायद वो ये चीज़ें समझता था, इसलिए उसने कभी भी राइटर को उस मुश्किल में डालने के लिए कभी सोचा भी नहीं. लेकिन राइटर ने क्या किया, राइटर को इस चीज़ का सख्त अफसोस है कि कभी उसने उसे वो स्पेस ही नहीं दी. हम एक दूसरे को जब तक स्पेस ही ना देते, अगला बंदा हमसे अपने दिल की बात कभी भी नहीं करता. एक थर्ड पर्सन को हम कभी भी, इवन अगर कोई हमारा फ्रेंड भी है, हमारे आप आसपास में देखें, हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे कहने को रिलेशनशिप्स हैं, हमारी दोस्तियां हैं, अच्छे समाजी रबते हैं जिनसे, लेकिन क्या आप अपने दिल की हर बात उन सबसे शेयर कर सकते हैं? क्या आप करती हैं शेयर? यू कैन नॉट. वाई? कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं कि पता नहीं वो क्या सोचे, कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि कहीं वो मेरी प्रॉब्लम सुन के बोर ना हो जाए, मुझसे मिलना जुलना ना छोड़ दे, बातचीत ना छोड़ दे. ये जो हमारे दिल में बातें होती हैं ये तब होती है जब तीसरा बंदा जो है या दूसरा जो हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, वो हमें वो स्पेस नहीं दे रही. और ये स्पेस कैसे दी जाती है? कीप आस्किंग ईच अदर, कीप इंक्वायरिंग अबाउट देयर फैमिली, देयर लाइफ. ये नहीं कि जी आप कितने बहन भाई हैं, क्या मतलब ये होता है कि जिसे हम कहते हैं जी सब ठीक ठाक चल रहा है, खैरियत है, अच्छा कभी भी ज़रूरत हो आपने अपनी दोस्त को, अपनी बहन को याद रखना है. सो दिस इज़ हाउ वी गिव ईच अदर स्पेस. तो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, जब आप अक्सर ही किसी से पूछेंगे तो अगले को पता चलेगा दैट यू रियली मीन इट. फिर उसको पता चलेगा कि आप वाकई ही एक अच्छा लिसनर भी हो सकती हैं और जो मदद भी आपके बस में हो वो आप किसी की कर सकते हैं. देखो सारी सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, कभी कभी हम किसी की बात को जब सुन लेते हैं ना तो उसी से उसका कैथारसिस हो जाता है, उसको एक दुआ दे देते हैं, मशवरा दे देते हैं. तो ये आज की जो अफसोसनाक कंडीशन है हमारी आज की ज़िंदगी, ये जो मॉडर्निज्म है, इसमें हम किस तरह, हमें ये लगता है कि हम वी आर फ्रेंड्स विद ईच अदर, हमारा एक सोशल सर्कल है, हमारे बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन क्या वाकईतन वी आर अटैच टू ईच अदर बाय हार्ट? क्या हम वाकईतन एक दूसरे को इमोशनली इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये फ्रेंडशिप जो है रियल मायने में फ्रेंडशिप है? सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और देखिए हमारे इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे से मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह आजकल हमारे यहाँ होता है कि जी हाँ जी ये मेरी दोस्त है तो क्लास में मेरी प्रॉक्सी भी लगवा देगी, मैम के सामने झूठ बोलना है तो झूठ भी बोल देगी. तो सॉरी टू से दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप. आप स्टूडेंट्स को ये बात मैं बता दूँ, सही दोस्त वो होता है जो आपको सही और गलत में चूज़ करने की
जो है ना सलाहियत आपके अंदर पैदा करे, या अगर सलाहियत है लेकिन आप जानबूझ के वो गलत काम करें तो वो आपको देयर एंड देन ही वुड स्टॉप यू, बल्कि वो आपको बताएगा नहीं यार ये गलत बात है, दिस इज डिसऑनेस्टी, हम टीचर के साथ डिसऑनेस्टी रहेंगे। अगर वो बदतमीजी करेगा आप उसे फौरन रोकेंगे, नहीं यार ये गलत बात है, अदब बानसी, चीट कर रहा है एग्जाम में तो उसको कहें कि नहीं इस तरह तो तुम इम्प्रूव ही नहीं कर सकोगे, खाली डिग्री का क्या लेना तुमने, दो मिनट दो डिग्रीज लेने के बाद जब इंटरव्यूज होंगे कहीं पे जाओगे कोई अप्लाई करोगे तो उस नॉलेज, वो फिर नॉलेज कहाँ से आएगा, तुम मेहनत करो कोई बात नहीं, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। सो दिस इज हाउ यू एनकरेज टीचर्स, को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी एक मिसाल हमने ओल्ड मैन एंड द सी में देखी। ओल्ड मैन एंड द सी में भी ऐसा ही था, आपने देखा कि सेंटियागो जो था उसने बच्चे को, बॉय को, वो जब मैनोलिन का कैरेक्टर है, जब उसके वालिदैन ने मैनोलिन को मना किया कि अब आप ओल्ड मैन के साथ नहीं जाओगे फिशिंग पे उसकी बोट में क्योंकि वो एक अनलक्की पर्सन है, तो क्या सेंटियागो ने उसको ताने देना शुरू कर दिए? नहीं, बल्कि उसको कहा कि तुम अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनोगे और तुम उन मेरी कश्ती में नहीं जाओगे। और इसी तरह वो लड़का भी आप देखें कि अपने वालिदैन की बात को भी जहन में रखते हुए अपनी दोस्ती को उस मुताबिक रखता है जिस मुताबिक उसके वालिदैन चाहते हैं। तो रियल नेचर ऑफ फ्रेंडशिप जो है ना, जो रियल फ्रेंडशिप है, उसमें लॉयलिटी ये नहीं है कि आप गलत काम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि एक्चुअली दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, जिसमें आप एक दूसरे का भला करती हैं, एक दूसरे की कमी कोताहियों में उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती हैं, एक दूसरे को आप स्पिरिचुअली आप उसको इंस्पायर करती हैं, वो फ्रेंडशिप ट्रू है। और ये इसी ये एक साइड मैंने इसलिए बता दी कि चलें आप थोड़ा सा मॉरल लेसन जो है उसको एक ब्रॉड टर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ हम इस माया टेलर एसे में भी मॉरल लेसन जो है इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में जो है ना एक बात ये कि हमें एक दूसरे को इतनी स्पेस देनी चाहिए, अगर हमें लगता है कि हमारे एक अच्छे रिश्ते हैं तो फिर हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और दूसरा हमने ये भी सीखा कि टेलर भी शायद कभी अगर अपने दिल की बात खोल देता, बता देता, तो शायद ये सब कुछ ना होता। लेकिन अल्टीमेटली फिर हम ब्लेम जो है हम टेलर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकता था अपने दोस्त के लिए वो करता रहा, लेकिन राइटर ने एज अ फ्रेंड वो उसको ये लगता था कि हम सिर्फ कस्टमर और शॉपकीपर के तौर पे नहीं मिलते, लेकिन आप देखें कि उसने एज अ फ्रेंड कभी भी खुद से जानने की कोशिश ही नहीं की कि टेलर की लाइफ की क्या हार्डशिप्स हैं, क्या स्ट्रगल्स कर रहा है वो, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जाहिर सी बात है खुद राइटर ये मानता है कि उसे दुख हुआ, उसको दुख हुआ, इसीलिए तो देखो एज अ ट्रिब्यूट उसने ये ऐसे लिखा माई टेलर। और आप देखें इसके टाइटल में इट इज़ माई टेलर, सो दिस थिंग इज क्वाइट अगेन क्वाइट समथिंग टू बी नोटिस्ड कि माई टेलर, डू वी रियली से शी इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड माई टेलर, अगर माई का वर्ड लगा हुआ तो फिर तो वाकई वी शुड ओन ईच अदर, हमें वाकई एक दूसरे की प्रॉब्लम्स इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, हम एक दूसरे को हेल्प आउट करें कहीं ना कहीं। सो ये जो उसके दिन में बात आई है ना कि मेरा दर्जी, लेकिन एक्चुअली ही फेल्ड टू प्रूव दिस दैट ही वॉज रियली लाइक अ फ्रेंड टू हिम। सो यही मैसेज हमारे लिए है, हमने अपने रिलेशनशिप्स में जो है इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू।